किसी भी रूम हीटर की जान उसका रिफ्लेक्टर होता है, जबकि इस ओरिवा रूम हीटर का रिफ्लेक्टर पूरी तरह से जंग आलूद यानी रस्टेड हो गया है। ये इस हीटर की सिलेक्टर स्विच है जिसे ये दोनों हीटर ऑपरेट होते हैं। इसे ऑन करके देखते हैं। पहला हीटर ऑन किया पर यह काम नहीं कर रहा है। अब दूसरा हीटर ऑन किया तो यह ऑन हो गया। इस तरह एक हीटर रॉड डेड है जबकि दूसरा हीटर रॉड पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है और पीछे का रिफ्लेक्टर खराब होने से बहुत मामूली सी हीट महसूस हो रही है। दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल खान। इस हीटर को जुगाड़ से बिल्कुल नया बनाएंगे। इसी तरह आप भी किसी भी हीटर को नया जैसा बना सकते हैं। इसे ऑफ करते हैं और इसके सभी स्क्रू खोलते हैं। इसका बैक कवर हटाते हैं। ये अंदर से भी काफी गंदा है। ये इस हीटर की सिलेक्टर स्विच है और इस स्विच के जरिए दोनों हीटर रॉड में फेस सप्लाई जाती है, जबकि दोनों हीटर रॉड के दूसरे एंड पर न्यूट्रल डायरेक्ट जुड़ा रहता है। हीटर रॉड के नट जाम है। सभी नट खोलकर दोनों हीटर रॉड से वायर को निकाल लेते हैं। सिलेक्टर स्विच के स्क्रू को खोल लेते हैं। स्विच के आगे की तरफ लगी नाप को खींचकर इसे अलग कर लेते हैं। ये नाप स्विच से इस तरह कनेक्ट रहती है। अर्थिंग का वायर बच गया था, इसे भी निकालकर वायर सहित बैक कवर हटा देते हैं। रिफ्लेक्टर बॉक्स के सभी स्क्रू को खोलेंगे जिससे ये बाहर निकल सके। इसके सभी स्क्रू को खोल लेंगे। रिफ्लेक्टर बॉक्स के साथ ही दोनों हीटर रॉड भी बाहर आ गया। रिफ्लेक्टर बॉक्स की कंडीशन देखिए, ये दोनों साइड से रस्ट यानी जंग की वजह से खराब हो गया है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से होल्डर का लॉक हटाकर होल्डर निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरे हीटर रॉड का भी होल्डर निकाल लेते हैं और इस तरह से दोनों हीटर रॉड को बॉक्स से अलग कर देते हैं। बॉक्स के दूसरे साइड के होल्डर भी निकाल लेते हैं। स्विच में कनेक्ट वायर को निकाल देते हैं। इस तरह हीटर का फ्रंट कवर और बैक कवर खाली हो गया। दोनों कवर को गर्म पानी से अच्छी तरह वॉश करते हैं। जहां स्पॉट है उसे सोप सॉल्यूशन से वॉश करते हैं। रिफ्लेक्टर बॉक्स में जहां तक हो सके गंदगी हटा देते हैं। यह है एल्युमिनियम फॉयल जो हीट और लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। इस शीट को हीटर के रिफ्लेक्टर बॉक्स में लगाएंगे। इसके लिए बॉक्स की चौड़ाई नाप लेते हैं। शीट का एक बड़ा टुकड़ा लेते हैं जिसे बॉक्स की चौड़ाई से कुछ ज्यादा कट कर लेते हैं। शीट को एक तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। अब बॉक्स की चौड़ाई के माप के हिसाब से एक्स्ट्रा शीट को दूसरे तरफ से भी फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह बॉक्स की चौड़ाई के हिसाब से शीट रेडी हो गई। एल्युमिनियम फाइल का छोटा टुकड़ा लेकर बॉक्स की साइड पर इस तरह बैठालते हैं। यह शीट एल्युमिनियम की है इसलिए आसानी से फिक्स हो जाती है। इसमें हीटिंग रॉड का होल्डर लगाकर इसे लॉक कर देते हैं। इससे एल्युमिनियम फाइल को भी ग्रिप मिल जाती है। ऐसे ही एक टुकड़ा दूसरी तरफ भी लगाते हैं। इस साइड भी हीटिंग रॉड का होल्डर लगाकर उसे भी लॉक कर देते हैं। अब एल्युमिनियम फाइल की मेन शीट को बॉक्स में फिक्स करते हैं। इसे सबसे पहले बीच में प्रेस करते हैं, फिर बारी बारी से दोनों साइड में अच्छी तरह से बराबर प्रेस करते हैं। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से चारों होल्डर की साइज का होल कर देते हैं। ये दो नए हेलोजन हीटिंग रॉड हैं। दोनों रॉड की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। जिस साइड होल्डर नहीं है उस साइड रॉड को डालते हैं और दूसरी तरफ के होल्डर में लगा देते हैं।
जिस साइड होल्डर नहीं है वहां भी होल्डर लगाकर लॉक कर देते हैं। इसी तरह दूसरे हीटिंग रॉड को भी फिक्स कर लेते हैं। मेन एल्युमिनियम फॉइल शीट के बढ़े हुए हिस्से को दोनों तरफ नीचे की तरफ फोल्ड कर देते हैं। बॉक्स में स्क्रू की जगह एल्युमिनियम फॉइल में होल कर देते हैं इस तरह से। रिफ्लेक्टर बॉक्स को फ्रंट कवर की जाली के ऊपर इसकी जगह पर रखते हैं। स्क्रू के सभी होल को एडजस्ट कर लेते हैं। सभी स्क्रू टाइट कर देंगे। सभी स्क्रू टाइट हो चुके हैं। ये सिलेक्टर स्विच है, इसे भी इसकी जगह स्क्रू से टाइट कर लेंगे। अब इसकी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले अर्थिंग का वायर टाइट कर लेते हैं। न्यूट्रल के वायर को दोनों हीटिंग रॉड के एक एक टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। ये रेड कलर का फेस वायर है जिसे सिलेक्टर स्विच पर कनेक्ट करते हैं। इन दोनों वायर से फेस सिलेक्टर स्विच से हीटर तक पहुंचता है। दोनों वायर को सिलेक्टर स्विच के दोनों आउटपुट टर्मिनल से जोड़ देते हैं। एक वायर को एक हीटिंग रॉड से और दूसरे वायर को दूसरे हीटिंग रॉड से जोड़ देते हैं। इस तरह से यह अर्थिंग का वायर कनेक्ट है, ये फेस का वायर सिलेक्टर स्विच पर और वहां से फेस वायर दोनों हीटर से कनेक्ट है। ये न्यूट्रल का वायर है जो दोनों हीटर से कनेक्ट है। ये मेन लीड है जिसे बैक कवर के साथ लॉक कर देते हैं। बैक कवर को अपनी जगह रख देते हैं और सभी स्क्रू को टाइट कर देते हैं। ये सिलेक्टर स्विच की नाब है, इसे लगा देते हैं। हीटर में सप्लाई देकर चेक करते हैं। अभी ये ऑफ है, एक नंबर हीटर ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। अब दो नंबर हीटर ऑन करते हैं, दोनों हीटर फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।